नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। डीएस इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक 20-30 वोल्ट का कनेक्शन किस प्रकार होता है। दोस्तों हमारे पास ये कैबिनेट है जो कि ख़राब हो गया है। हम इसमें ये 20-30 वाला बोर्ड डालेंगे जो हमारा 4.1 होम थिएटर में यूज होता है ये वाला किट। तो हम इस टेप पर लगाएंगे, इसको किस प्रकार से कनेक्शन होगा, क्या होगा, क्या चीज़, सारे चीज़ हम अपने इस वीडियो पर आप लोगों को बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस बोर्ड को हम किस प्रकार से इस वाले टेप पर, हमारे जो ट्रैक्टर वाला टेप होता है, ट्रैक्टरों में ज़्यादा यूज होता है इस प्रकार के टेप पर, हम इस प्रकार से हमारा ऑडियो बोर्ड डाला हुआ है। ये बोर्ड हमारा दोस्तों ख़राब है। ये हमारा जो आईसी है ये ख़राब है हमारा, किसी कारण से ये आईसी हमें नहीं मिल रहा है। तो हम इस पूरे बोर्ड के बदले हम इस जगह पर ये वाला 20-30 वाला बोर्ड बैठा देंगे। दोस्तों, आप इस बोर्ड को अच्छी तरह से जानते होंगे, हम इसमें बेस और ट्रिबल दोनों सुनते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक आईसी बेस के लिए होता है और ये दो आईसी हमारे सैटेलाइट ट्विटर के लिए चलाने के लिए होता है। तो हम इस बोर्ड का कनेक्शन इस वाले टेप पर करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम आप लोगों को सारे कनेक्शन दिखाएंगे, कहाँ से क्या वायर को जोड़ा जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के। तो देखिए दोस्तों, मैं फाइनली इस बोर्ड को ओपन कर चुका हूँ, इसके सारे कनेक्शन को अलग अलग कर दिया हूँ। अब इस वाले बोर्ड को मैं यहाँ साइड में रख दूँगा और ये वाले बोर्ड को हम इसमें लगाएंगे। दोस्तों, इसे किस प्रकार से फिट करेंगे हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड हो जाएगा इस प्रकार से। बोर्ड को हम कोई स्क्रू से यहाँ होल करना पड़ेगा, इसके साइज के अनुसार छेद बनाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा जगह रखेंगे और यहाँ फिर हमको ट्रांसफार्मर लगाना है। दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे कि 20-30 वाला जो बोर्ड होता है उसमें 12012 ट्रांसफार्मर लगता है। तो मैं ट्रांसफार्मर ला लेता हूँ। 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। देखो, तो हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से छेद करके लगाएंगे। 7805 भी है, सब चीज़ बताएंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो के साथ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा, कहाँ क्या वायर लगेगा, सारी जानकारी हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम इस ट्रांसफार्मर को इस कैबिनेट पर बैठा चुके हैं और ये वाले बोर्ड को अब हम लोग कसेंगे यहाँ। और एक वॉल्यूम लगाया था जो हमारे पुराना वाला वॉल्यूम ख़राब हो चुका था, ये वाला वॉल्यूम यहाँ पर लगा था, उसको मैं निकाल कर एक नया वाला वॉल्यूम लगा चुका हूँ। अब इसको हम कैबिनेट पर इस वाले बोर्ड को टाइट करेंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक जुगाड़ दिखाता हूँ दोस्तों कि हमारे दोस्तों मुझे इस प्रकार के ये वाला होम थिएटर का जो किट है उसको इस कैबिनेट पर बैठाने के लिए खर्चा सिर्फ ये ट्रांसफार्मर को लगाया हूँ दोस्तों, बाकी सब चीज़ मैं जुगाड़ से बनाऊंगा। तो मैं ये वाला जो हमारा बोर्ड है जो देख रहे होंगे, इसमें ये जो जेक सिस्टम है, ये जेक है और ये सारे जेक सिस्टम को मैं किस प्रकार से कहाँ से जुगाड़ करूँगा, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा DD-free डिस्क का पावर सप्लाई है, उसमें ये हमारा जो लगा रहता है, ये हमारा जो मल्टी कलर वायर लगा होता है उसको हम इस पर जेक सिस्टम के लिए यूज करेंगे। ये यहाँ पर लग जाता है दोस्तों अच्छे से, इस प्रकार हम इसको लगा देंगे और अपने ज़रूरत के अनुसार इसको हम वॉल्यूम पर इसका सारे कनेक्शन कर देंगे। तो आप लोगों को मैं ये वाला जेक इस पावर सप्लाई से निकाल कर यहाँ पर लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाता हूँ फिर कनेक्शन। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो फाइनली दोस्तों, मैं बोर्ड को अच्छे से सेट कर चुका हूँ और कुछ कनेक्शन को भी कर दिया हूँ।
नॉर्मली कनेक्शन को और कुछ कनेक्शन करना अभी बाकी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन से कनेक्शन हो गए हैं। तो दोस्तों ये मैंने अभी बेस का कनेक्शन कर दिया हूँ, जो हमारा बेस वाला वॉल्यूम होता है उसमें। तो दोस्तों हमें इस पर बेस का कनेक्शन इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। तो बेस कनेक्शन के लिए हमारे 3 वायर निकलता है। जो बेस का कनेक्शन वो इस प्रकार से है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बेस का कनेक्शन हमारे ये वाले कनेक्टर से होता है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से करना है। जो हमारे ये 4558 IC निकलता है, वहाँ से हमारा बेस का सिग्नल निकलेगा। उसका जो आउटपुट वाला पॉइंट है वो हमारे ये वाला जेक के फर्स्ट पॉइंट पर ऐसे प्रिंट के द्वारा आता है। तो हमारा ये हमारा आउटपुट हो गया पहला वाला पिन, जो 4558 का आउटपुट है। ये हमारा आउटपुट सीधा वॉल्यूम पर जाएगा, हमारा बेस ट्रिबल का जो कंट्रोल करेगा वो वॉल्यूम के फर्स्ट पिन पर होगा। दोस्तों आप जब भी कनेक्शन करते हैं तो जो 4558 का आउटपुट वाला जो सिग्नल है वो हमारा वॉल्यूम के पहले वाले में लगता है, और वॉल्यूम का दूसरा कनेक्शन जो हमारा ये नीला वायर है, ये हमारा ये जेक के बीच वाला पॉइंट में है, और ये बीच वाला पॉइंट ये अंदर से प्रिंट होता हुआ ये बेस आईसी के जो 20-30 आईसी है उसका एक नंबर पिन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ से आउटपुट होता हुआ यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर हमारा ये वॉल्यूम पर जाएगा 4558 आईसी का जो आउटपुट, और यहाँ से हम इसको जितना कंट्रोल करेंगे उतना ये आउट होकर ये हमारे 20-30 आईसी को देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा बेस का कनेक्शन हो गया, और इसमें एक ग्राउंड का वायर लगा होता है जो आउट को मुझे इस कैबिनेट पर फिट करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का छेद वेद भी नहीं है। तो अभी और मुझे मेहनत लगने वाला है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबा दे दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मैं आप लोगों को 20-30 बोर्ड पर कनेक्शन किस प्रकार से होता है मैं आपको एक एक पूरा जानकारी दे दूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार से परेशानी ना हो, और कोई भी समस्या अगर कनेक्शन करने में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, मेरा हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों और मैं ये वाला जो हमारा कार्ड से जो हमारा ऑडियो आउट होता है, ये हमारा मेन वॉल्यूम है। ये हमारा ये देखो हमारा ये मेन वाला वॉल्यूम है। तो हमारे जो BT बोर्ड से जो हमारा ऑडियो निकलेगा वो हमारा इस वॉल्यूम के फर्स्ट पिन पर लगेगा, जो कि लेफ्ट राइट में है, और ये हमारा ग्राउंड है। तो ये हमारा ग्राउंड है। तो दोस्तों और बताता हूँ मैं, और मैं ये हमारा जो ट्विटर के लिए आउटपुट निकलता है, ट्विटर स्पीकर के लिए, ये हमारा वही आउटपुट वाला वायर है। तो हम यहाँ अंदर से इसको कनेक्शन कर चुके हैं, जो यहाँ आप जो देख रहे होंगे यहाँ इस जेक से ये वाला वायर निकला हुआ है, जो हम इस पर ट्विटर बजाएंगे। और ये हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो गया है 12-0-12। तो इस प्रकार से हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें मेन कनेक्शन हमको इस बोर्ड पर ऑडियो देना है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें ये तीनों वायर कहां पर कनेक्ट करना है। तो हमारे ये 3 वायर, ये यहां पर 4 वायर है दोस्तों, 2 हमारा लेफ्ट और राइट का हो गया, और ये हमारा ट्रिबल वाला है, और ये हमारा ग्राउंड का है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ये हमारा मेन वॉल्यूम के बीच वाले पॉइंट पर लगेंगे, जो आप ये देख रहे हैं, अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा जो बीच वाला है, लेफ्ट या राइट, या राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। ये मेन AC का कोड लगाएंगे भी हमें ये
वायर है हमारा ट्रांसफार्मर से जो निकला है, हमें मेन तार लगाना है और एक बेस स्पीकर चलाने के लिए, बेस स्पीकर के लिए आउटपुट निकालना है, बस हो गया फिर। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमारा 7805 है, ये हमारा 12 वोल्ट है और ये बीच का ग्राउंड पॉइंट, और यहाँ से आउटपुट ये 5 वोल्ट निकलता है जो हमारे इस बीटी बोर्ड को चलाने के लिए होता है। तो बस सो फाइनली दोस्तों हम अपने स्टेप का पूरा वायरिंग कर चुके हैं, इसमें 20-30 वाला बोर्ड को अच्छे से इंस्टॉल कर चुके हैं। ये देखिए दोस्तों हम सारे कनेक्शन कर चुके हैं, ये हमारा बेस का कनेक्शन है दोस्तों। बेस को, बेस के लिए हम लोग ये वाला बॉक्स का उपयोग करते हैं, और ट्विटर के लिए हमारे ये अंदर में ये वाला बॉक्स है ये जो ट्विटर का काम करेगा, और ये हमारा सिम्फॉक्स का ओरिजिनल सब बुफर वाला बॉक्स है दोस्तों। तो हम इसको फाइनली ओके कर चुके हैं, अब हम आप लोगों को ऑडियो सुनाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसका ऑडियो, इसका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ, और इसका साउंड क्वालिटी को आप देखिए और बेस को महसूस कीजिए दोस्तों। देखिए ये हमारा बेस का, आप लोगों ने इसमें कितना अच्छा पंच आ रहा है, बहुत ही अच्छा ये बेस दे रहा है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल एक नंबर बज रहा है। और इसका ये बेस कंट्रोल का ट्यून है, और ये हमारा खाली ट्यून है दोस्तों, इसमें हमने किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं किया है, ये हमारा बेस कंट्रोल करेगा और ये हमारा मेन वॉल्यूम है। तो देखा दोस्तों इस प्रकार से आप भी एक इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें मैं सिर्फ ट्रांसफार्मर डाला हूँ, और ये हमारा पुराना किट से निकाला हुआ है। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने इसको रिपेयरिंग किया। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबा दें, और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।